क्राइसिस है अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को एक तारीख निकलने के बाद, दो भी निकलने के बाद और तीन तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है। इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। प्रदेश को मिलती है 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है, और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया। और इसके अलावा केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है, और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना है, तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। सर, आप ये देख रहे हैं कि ये जो आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी आप लगातार बात कह रहे हैं, ये जो प्रोमिसेस किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उसकी वजह से ये बड़ा संकट आ गया है, या इसके पीछे कोई और वजह? उनको लेकर के जो चर्चा विधानसभा के अंदर होगी उस वक्त हम जवाब देंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से जब गुजर रहा है, इस परिस्थिति को मुख्यमंत्री को गंभीरता से समझना चाहिए। और जो कर्मचारी हत्याशी की बात बार बार कहते थे, हर भाषण में कहते थे, आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति यह बन गई जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, और जो पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है कि ये जो खटाखट गारंटी देने की जो बातें हैं, हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी, और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। सर, संजौली में एक मस्जिद का निर्माण हुआ है जिसके लिए हिंदू संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन भी किया, और मांग की जा रही है कि ये अवैध है मस्जिद और इसको हटाया जाना चाहिए, इसको लेकर एक उग्रांद। देखिए, इसमें हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए, और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्यवाही बनती है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज बलबीर वर्मा जी ने, जो विधायक है हमारे चौपाल के, उनने सारे विषय को हाउस में भी उठाया है, और वो नोटिस के अंतर्गत जो है, मुझे लगता है कि इसका जो है वो इस मामले को विधानसभा के अंदर